Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English, you can learn English. तो कैसे आप लोग? I hope आप अच्छे होंगे, शानदार लॉकडाउन में अच्छे दिन कट रहे होंगे. और आज 5 मिनट इंग्लिश वाली क्लास में मैं फिर से आपके बीच प्रोवर्ब्स, कहावतें जो कि इंग्लिश स्पोकन में बोली जाती है, यूज़ की जाती, हमेशा हम बोलते हैं इंग्लिश. जो स्टूडेंट्स रहते हैं स्पोकन वाले, उनको हमेशा यह दिमाग में डाउट रहता है कि इन प्रोवर्ब्स को हम कैसे बोल सकते हैं, इन प्रोवर्ब्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, शानदार तरीके से. तो आज मैं आपके बीच में शानदार प्रोवर्ब्स लेकर आया हूँ. आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगे और आपने कहीं ना कहीं आपने, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपने सुने होंगे, बोले होंगे किसी को डांटने में, किसी की तारीफ करने में, या किसी को मतलब माफ़ी मांगने में, मतलब कई प्रकार की कंडीशन आपने हिंदी में आपने यूज़ किया होगा. तो अब आप अंग्रेजी में सीखते हैं कैसे इन प्रोवर्ब्स को हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो चलते हैं फिर प्रोवर्ब्स के साथ में, तो देखते हैं प्रोवर्ब्स क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट प्रोवर्ब्स क्या है आपने सुना होगा. फर्स्ट प्रोवर्ब्स है राई का पहाड़ बनाना. ये कहावत है, क्या है, राई का पहाड़ बनाना. आपने हमेशा सुना होगा कि राई का पहाड़ बना देते हैं. मतलब राई का पहाड़ मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी जो बातें होती है, छोटी छोटी बातें हैं उनको बड़े एक्सट्रीमली तरीके से, मतलब छोटी सी बात को बात का बतंगड़ बनाना. सीधी बात है कि छोटी सी कोई बहुई बात हुई है और उसको, मतलब उसको लगी है छोटी सी बात है, उसको लगी है ज़बरदस्ती में उसको करने. मतलब क्या, राई का पहाड़ बनाना. मतलब क्या, राई का पहाड़ बनाना. तो आपने सुना होगा राई का पहाड़ बनाना. ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राई का पहाड़ बनाना क्या होता है, क्या, टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल. क्या है, देखते हैं, फिर से देखते हैं, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल. टू मेक ओके, टू मेक अ माउंटेन. तो इसको हम अंग्रेजी बोल सकते हैं राई का पहाड़ बनाना. जैसे कि हम सेंटेंस के तौर पर हम अगर यूज़ कर सकते हैं कि वह हमेशा राई का पहाड़ बनाता है, वह हमेशा राई का पहाड़ बनाता है. तो ये ध्यान रखना, प्रोवर्ब्स है तो किसी का नाम भी यूज़ कर सकते हैं. ही मेक्स टू अ माउंटेन ऑफ मोल हिल. वह हमेशा राई का पहाड़ बनाता है, बोल सकते हैं. ठीक है, यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही एक ये है, हवा में पुल बनाना. सुना होगा हवा में पुल बनाना, सुना होगा ना, हवा में पुल बनाना. मतलब बोलते हैं ना कि ख्याली पुलाव है पकाना, या हम बोलते हैं ना कि वो ख्याली पकाओ, ख्याली जो मतलब दिमाग में मतलब पका लेते हैं, ख्याली पुलाव पका लेते हैं. हिंदी में नहीं आ रहा था, ख्याली पुलाव है वो सॉरी पका लेते हैं. ठीक है, तो हवा में क्या, पुल बनाना, मतलब ख्याली पुलाव पकाना होता है. ठीक है, तो हवा में पुल बनाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैसे हम यूज़ करेंगे, तो देखते हैं क्या, टू मेक कैस्टल्स इन द एयर. हवा में क्या बनाना, पुल बनाना. तो दे ऑलवेज टू मेक कैस्टल्स इन द एयर. भी हमेशा हवा में पुल बनाते हैं, हवा में पुल बनाते रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, हमेशा यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है, आपने देखा होगा कि आप सुना होगा, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से काम नहीं चलता है. सुना होगा ना, बोला होगा कि अपने मुँह मिट्ठू बनने से काम नहीं चलता है. अगर आप खुद ही की तारीफ करो कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है, मैं सबकी मदद करता हूँ, तो मतलब उसको काम नहीं चलता अपने मुँह या मिट्टी बनने से, अपनी तारीफ करने से. तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखते हैं क्या बोलेंगे, सेल्फ प्राइज इज़ नो रिकमेंडेशन. अपने वही मुँह मिट्ठू नहीं बन सकते हैं. ठीक है, खासकर इंटरव्यूज़ में पूछते ना, मतलब अपने मुँह मिट्ठू में आई कैन डू होता है ना, बनता है इंटरव्यू में, चलता भी है. ठीक है, तो अपने मुँह मिट्ठू बनने से काम नहीं चलता है, काम तो कुछ ठोस काम करना पड़ता है कि ये हो रहा है. तो सेल्फ प्राइज इज़ नो रिकमेंडेशन. ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है क्या, देखते हैं, कुछ नहीं से कुछ भला. सुना है आपने, कुछ नहीं से कुछ भला. कुछ नहीं से कुछ नहीं है तो कुछ भला, मतलब अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे बैठे, इससे अच्छा कि कुछ काम करो. ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप फ्री बैठे हो, अगर आप स्टूडेंट हो और आपकी क्लासेस लग रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप कुछ नहीं कर रहे तो फिर भी कुछ करो, कुछ पढ़ाई करो, कुछ कोई कोर्स ले लो, या कुछ कुछ ना कुछ करते रहो, मतलब जिंदा रहते रहो. सीधी बात है, जिंदा रहो, मतलब कुछ नहीं से कुछ वाला, मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. ये आपने हमेशा सुना होगा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. कुछ नहीं से कुछ वाला सुना होगा आपने.
अपने अगर अगर आप कम्युनिकेशन थोड़ा सा अगर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा सॉरी या फिर आपने इंग्लिश अगर स्पीच सुनते होंगे तो आपने हमेशा यूज़ किया होगा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ भला हमेशा बोला होगा, हमेशा आपने यूज़ किया होगा। ठीक है, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ भला। ठीक है, तो ऐसे नेक्स्ट क्या है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बोला है ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मैंने शायद इसको पढ़ाया भी है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब काम धाम आता नहीं है, मतलब कुछ काम करते नहीं मर रहा करे वो तो क्या है, मतलब मतलब ये काम ही ख़राब है बोलते ना, अगर कोई काम नहीं कर रहा हो तो ये काम ही ख़राब है, ये समय ये कमी है, ये समय वो कमी है, चाहे मतलब बोलते नाच ना जाना आंगन टेढ़ा, जैसे कि बोलते हैं ना कि लोमड़ी, हाँ कि अगर लोमड़ी अगर अंगूर खो ना पा पाए, अब सुना वो उसमें आपने मोरल स्टोरी इसमें यूट्यूब पर देखा होगा कि लोमड़ी रहती है वो बहुत खूब कोशिश करती है पाने की, खूब करती है, पर बोलते हैं अंगूर तो खट्टे हैं, अब किस पर बन नहीं रहा, मतलब क्या है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो क्या है अ बैड वर्कमैन क्वारल विथ हिज टूल। ठीक है, अ बैड वर्कमैन क्वारल विथ हिज टूल, मतलब जो खराब वर्कमैन है, क्या खराब वर्कमैन है वो क्या कह रहा है, ये टूल खराब है, ये तो टूल ही खराब है, वर्कमैन क्या है गलत है, मतलब खराब उस पर, मतलब जो वर्कमैन उस पर करते बन नहीं रहा, बोला दोस्त को दे रहा टूल्स को दे रहे हैं ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो मतलब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल। तो यह आज की क्या थी आपकी प्रोप्स थी, आई होप आप हमेशा इन प्रोप्स का यूज़ करोगे, और यदि आप इन प्रोप्स को यूज़ करोगे तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग आप बहुत ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।